तो बेसिकली दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा, अगर कि सारे डॉक्यूमेंट्स खो जाएं तो फिर क्या करना चाहिए, क्या जॉब आपको मिलेगी, या जो जिस जॉब पे आप काम कर रहे हो क्या वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो बेसिकली उसी के बारे में पूरा आज डिस्कस करेंगे। सो ये वीडियो लास्ट तक का जरूर देखते रहें, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना IT इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से छोटी सी इंट्रो के बाद। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जो आपके एक्सपीरियंस लेटर होता है, रिलीविंग लेटर होता है, सैलरी स्लिप होती है, अगर ये खो जाते हैं तो क्या करना चाहिए। मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा कि आपका हाई स्कूल या इंटर या ग्रेजुएशन की मार्कशीट या और भी सारी चीज़ें खो जाएँ, हालाँकि पॉसिबिलिटीज उसकी हैं कि बन जाती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बात करूँगा इन दोनों चीज़ों के बीच में लगभग थोड़ा मार्कशीट वगैरह के बारे में थोड़ा सा बताएँगे और बेसिकली डिस्कस करेंगे जो मेन एक्सपीरियंस लेटर और ऑफर लेटर होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपका ऑफ़र लेटर, रिलीविंग लेटर, ऑफ़र लेटर ये सारे कुछ खो गए हैं, अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास मेल पे रिटर्न कम्युनिकेशन है तो आप उस मेल से भी काम चला सकते हो। मेल भी अगर आपके पास नहीं है, फॉर एग्जांपल आपका लॉगिन नहीं हो पा रहा है या मेल आईडी आप अपनी भूल गए हो या और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इस जगह पर, तो वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए दोस्तों कि वहाँ पर जाने के बाद फिर आप सीधा सा फंडा ये होता है कि जो आपका PF नंबर है उस PF नंबर में जाओ। डेफिनेटली इसी बात है, आप किसी नेक्स्ट कंपनी में जाओगे तो कुछ ना कुछ वो प्रीवियस कंपनी का प्रूफ जरूर मांगेंगी। अगर आपके पास प्रूफ नहीं होगा तो कंपनी में ज्वाइनिंग तो हो जाएगी, लेकिन जैसे ही बैकग्राउंड वेरिफिकेशन उनका कंप्लीट होगा और उसमें वो डॉक्यूमेंट्स नहीं पाए जाएंगे तो कंपनी फिर आपको टर्मिनेट कर देगी। डेफिनेटली यहाँ पर काम करता है आपका PF नंबर। PF नंबर बेसिकली क्या होता है कि आपने जितनी भी कंपनी चेंज करी है, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, कितनी भी कंपनी आपने अगर चेंज कर दी है वहाँ पर, तो जो PF नंबर होता है यानी कि जो PF की पासबुक होती है वो हर एक कंपनी की अपनी अलग क्रिएट होती है। अगर यहाँ पे आप PF के अकाउंट पे जाके वहाँ लॉगिन करोगे, PF पासबुक जाके वहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे आपने जितनी भी कंपनी चेंज करी है तो तीनों कंपनी की पासबुक वहाँ पे अलग अलग बन रही होंगी। अब आपके पास ना तो मेल है, ना तो रिटर्न कम्युनिकेशन है, ना तो हार्ड कॉपी है, कुछ भी नहीं है, तब आप वहाँ पर ये शो करा सकते हो कि ये देखो मेरी कंपनी है और इतने से इतने दिनों तक मेरा PF कंट्रीब्यूट हुआ है। और उसमें PF में आपका कुछ एक शॉर्ट कट में उस कंपनी का डिटेल होता है, कंपनी का नाम होता है पर्टिकुलर उसके बारे में, सो आप वो वहां पे एज ए प्रूफ दिखा सकते हो। एंड दोस्तों रही बात आपकी मार्कशीट, ग्रेजुएशन या जो सनद वगैरह चलती है, हाई स्कूल इंटर या ग्रेजुएशन आपने करा हुआ, अगर वो आपके खो गए हैं तो आपको यूनिवर्सिटी जाके ही वहाँ से एक डुप्लीकेट बनवाना होगा। जी हाँ दोस्तों, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं और वो वैलिड भी होते हैं इन केस अगर आपके खो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई बंदा फॉर एग्जाम्पल कहीं इंटरव्यू देने गया, उस ट्रेन में या बस में कहीं चोरी हो गए, तो क्या वो पूरी करियर खाली बैठा रहेगा, क्या उसे जॉब नहीं मिलेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपके वो डॉक्यूमेंट्स भी खो गए हैं तो आपके डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स भी यूनिवर्सिटी से बन जाते हैं विद सेम रोल नंबर और भी जो सारी चीज़ें होती हैं वो सेम अपडेट हो जाती हैं, बट आपको वहाँ पे विजिट करना पड़ेगा और आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा वहाँ हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बहुत एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें फिर से अपडेट होती हैं वहाँ पर। सो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ हैं कि बन जाती हैं। एंड दोस्तों अगर मैं यहीं पे बात करूं कि आपका PF नंबर भी नहीं है, PF नंबर भी आप भूल गए हो या लॉगिन नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश से, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास बैंक अकाउंट है यानी बैंक अकाउंट में जाके आप स्टेटमेंट भी कर सकते हो, वहाँ पे स्टेटमेंट भी दिखा सकते हो। बेसिकली स्टेटमेंट आपको मेल पे मिल जाता है, अगर आप कस्टमर केयर जिस किसी भी बैंक में अगर आपका अकाउंट है, वो चाहे एक्सिस बैंक हो, ICICI हो, HDFC हो, कोई सी भी बैंक हो, A to Z, अगर आप कस्टमर केयर पर कॉल करते हो और स्टेटमेंट मांगते हो तो वहाँ पर स्टेटमेंट जो होता है वो आपको ऑन मेल कर देते हो, तो उस स्टेटमेंट से भी आप साबित कर सकते हो कि मैं प्रीवियस कंपनी में यहाँ पर वर्किंग था। सो दोस्तों इस चीज़ से बिल्कुल भी परेशान ना हो कि आपका ऑफ़र लेटर, एक्सपीरियंस लेटर या ग्रेजुएशन वगैरह की मार्कशीट खो गई तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगी, खाली मत बैठो, जॉब अगर कहीं सर्च करो, जॉब सर्च करो वही। सो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे ही रेड कलर का बटन दे रहा होगा वहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि अगर मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो मिस ना हो। इसके बाद भी अगर आपको कोई कमेंट सेक्शन क्वेरी है, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आपको ऑन स्पॉट आंसर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैं वहाँ पे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं ऑन स्पॉट आंसर दे देता हूँ। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत।